गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एसएसटी की क्लास में लेसन नंबर 3, जिसका नाम है इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया भारत द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान। इस लेसन में हम भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है, Humans have been living on different kinds of landform in different ways. Humans, मानव, landforms होती हैं भू आकृतियाँ, और different ways, अलग अलग विधियाँ या तरीके। जो मनुष्य है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रहता है, जिसे पहाड़ों में रहने वाले लोगों का रहन सहन है वो मैदानों में रहने वाले लोगों के तुलना में कैसा है, कठिन है और अलग है। इसी तरह से जो लोग मरुस्थल में रहते हैं वहाँ पे रहना और कठिन है, तो सभी का अलग अलग जगह पे रहना अलग अलग है। आगे है, लाइफ ऑन प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशंस। जो मैदान है वो रहने की जो स्थितियां उनको और ज़्यादा बेहतर करती हैं। इट इज़ ईजियर टू ग्रो क्रॉप्स और बिल्ड अ हाउस इन प्लेन रीजन देन अ माउंटेन। ईजियर, आसान फसलें उगाना, टू ग्रो क्रॉप्स और अ बिल्ड अ हाउस, मकान बनाना या घर बनाना। प्लेन रीजन, मैदानी क्षेत्र, देन अ माउंटेन, पहाड़ों की तुलना में, पर्वतों की तुलना में मैदानों में फसलें उगाना, भवन बनाना क्या है, आसान है। दी नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। जो हमारा उत्तरी मैदान है वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। साउथ मैंने दक्षिण, हिमालय माउंटेन्स हिमालय पर्वतों के दक्षिण में है। दिस रीजन कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इट इज अ लार्ज फ्लैट एरिया विद extends from Punjab in the west to Assam in the east. The region covers the major part of northern India. इस क्षेत्र ने उत्तरी मैदानों के काफ़ी मुख्य भागों को ढक रखा है, ढका हुआ है या कवर कर रखा है। It is a large flat area. ये एक लार्ज होता है बड़ा, और फ्लैट होता है समतल, बहुत बड़ा समतल मैदान है। विच एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन दी वेस्ट टू असम, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पंजाब पश्चिम से, पंजाब पश्चिम में पंजाब से लेके असम तक फैला हुआ है, असम के पूर्व तक फैला हुआ है। इट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। इट इंक्लूड्स, इसने अपने अंदर शामिल कर रखे हैं कौन कौन से राज्य हैं हमारे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट उत्तराखंड का, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स इज ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वो क्या है, वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज ड्रेन, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो किसके द्वारा सिंचाई की जाती है, गंगा नदी के द्वारा। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और वो ही यहाँ की सिंचाई करती है। समटाइम्स दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गंगेटिक प्लेन। समटाइम्स, कभी कभी इस क्षेत्र को गंगा का क्षेत्र भी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिवर गंगा, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स ऑल्सो फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया।
गंगा के अलावा, अपार्ट का मतलब होता है गंगा, वो सॉरी के अलावा, गंगा के अलावा काफ़ी नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं। सम ऑफ देम आर यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। तो कौन कौन सी नदियां हैं वो? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी हिमालयन माउंटेन्स वाई अदर लाइक दी लाइक दी चंबल बेटवेंट सोन एंड अदर राइज फ्रॉम दी हिल्स ऑफ दी पेनिनसुलर प्लेटू। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और सोन एंड अदर, जो अन्य नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से भी निकलती हैं। दीज रिवर बींग न्यूमर्स पीसीज ऑफ रॉक्स चट्टानों के टुकड़े एंड सेंड रेत विद देम। वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? ब्रिंग मैंने लाना, कई सारे चट्टानों के टुकड़े और रेत। दीज सेपरेट ओवर the land, especially during the flood। ये अपने साथ ये चीज़ें कब लेके आती हैं? बाढ़ के दौरान, जब बाढ़ आती है तब लेके आती है। विशेष तौर पर the fine silt boat and separated by rivers called alluvium। जो फाइन, अच्छी जो सिल्ट होती है, रेत होती है, कीचड़ होता है, उसे नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं और क्या फैला देती हैं, तो उस मिट्टी को कहते हैं एल्यूवियम, यानी जलोढ़ मिट्टी। दी एल्यूवियल सोयल इज़ वेरी फर्टाइल। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। बिसाइड्स एल्यूवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी के अलावा दी प्लेन्स हैव plenty of rainfall। और अपने साथ क्या लेके आते हैं? इसके अलावा मैदानों में जो बारिश होती है वो भी अच्छी मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में। plenty का मतलब होता है अधिक मात्रा में होती है। the rich soil and abundant water have made the northern plains very fertile। rich soil, समृद्ध मिट्टी, अच्छी मिट्टी और प्रचुर मात्रा में पानी भी उत्तरी मैदानों को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।